नमस्कार दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 70 साल से भी पहले निर्मित हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का चमत्कार है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली ये पुल ना सिर्फ कोलकाता में ताकि पूरा दुनिया भर में फेमस है। 19 सेंचुरी में कोलकाता और हावड़ा के बीच में बढ़ने वाली ये हुगली नदी के ऊपर ये तैरता हुआ पुल की निर्माण की परिकल्पना की गई थी। तैरता हुआ पुल बनाने का कारण ये थी कि नदी में रोजाना काफ़ी जहाज आते जाते थे और खंभा वाला पुल बनाते तो जहाज का आना जाना रुक जाता, इसलिए 705 मीटर लंबाई वाली इस पुल के बीच में एक भी पिलर नहीं है। जो भी इसको पहली बार देखता है देखते ही रह जाता है, क्योंकि पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है वो। अंग्रेज सरकार ने सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया, पर योजना बनने में बहुत वक्त लगा। पुल का निर्माण सन 1937 में शुरू हुआ और सन 1942 में पुल बन के तैयार हुआ। हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन की स्टील की ज़रूरत हुई। इससे पहले हुगली नदी के ऊपर तैरता हुआ पुल था, पर नदी में पानी बढ़ जाने के कारण इस पुल पर जाम लग जाता था। इस ब्रिज को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया था उसे ये ज़रूर कहा गया था कि वो भारत में बनी स्टील की इस्तेमाल करेंगे। क्रिस होम नाम से प्रसिद्ध स्टील को टाटा स्टील ने तैयार किया। हावड़ा ब्रिज में जितने भी स्टील लगी है सारे चीज़ टाटा स्टील ने बनाई है। इसकी ढांचे की फैब्रिकेशन का काम बेथफेट बॉन जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोलकाता में चार कारखाने में किया। 705 मीटर लंबा और 71 फुट चौड़े इस पुल में लोगों की आने जाने के लिए दोनों तरफ से फुटपाथ बनाई गई है, जिस फुटपाथ पर कभी भी भीड़ कम नहीं होती है। दोनों तरफ बनी फुटपाथ की चौड़ाई 15 फुट है और दिन हो या रात ये फुटपाथ कभी खाली नहीं होती है। सन 1943 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाले इस पुल जब बन के तैयार हुआ तब इसका नाम था हावड़ा ब्रिज। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसके नाम रविंद्र सेतु रखा गया, पर प्रचलित नाम फिर भी हावड़ा ब्रिज ही रहा। पुल को लोग कई सारे नाम से बुलाते हैं, कोई झूला पुल बोलता है तो कोई तैरता हुआ पुल, कोई हावड़ा ब्रिज बोलता है तो कोई रविंद्र सेतु बोलता है। जो भी है, बिना पुलर वाले इस पुल की कारीगरी की वजह से पूरा दुनिया भर में मशहूर है। इस पुल का खर्चा उस टाइम का कीमत है 2.5 करोड़। ये अगर आज के टाइम में बनता तो कितने हज़ार करोड़ लगता हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये थी कोलकाता ब्रिज के बारे में फैक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कोलकाता ब्रिज के आसपास में और क्या क्या चीज़ है, अगर आप आते हैं तो और क्या क्या चीज़ का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के नीचे से हुगली नदी बहती है, जिसको गंगा नदी और काती गंगा भी कहा जाता है। भारत में जितने भी नदी है उनमें से गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। आप अगर कभी हावड़ा ब्रिज आते हो तो गंगा नदी में स्नान जरूर करना। ऐसे माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। नदी के नीचे आपको बहुत सारे लॉन्च और बोट भी मिल जाएगा, जिसके थ्रो में आप नदी का मज़ा लेते लेते ब्रिज का भी आनंद ले सकते हैं। हमने सवेरे सवेरे हावड़ा ब्रिज के आसपास पहुँचे, गंगा नदी में वो लॉन्च का मज़ा हम कहाँ छोड़ने वाले थे। हमने लॉन्च का टिकट लेके नदी का मज़ा लिए। हावड़ा ब्रिज के किनारे एक फूल मार्केट है, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ से पूरा कोलकाता में आसपास से और दूसरे स्टेट को फूल भेजा जाता है। नदी का मज़ा लेने के बाद हमने फूल मार्केट में गए। हावड़ा ब्रिज की इस बड़ी फूल मार्केट के बारे में हमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। अभी कोलकाता की सीरीज चल रही है, आगे और भी बहुत सारे कोलकाता के फेमस जगह घूमने वाले हैं हम, उसके रिलेटेड वीडियो आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।